उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज मिला एंड आई रिमेंबर सीटी में स्कोर कम मिला था सो आई वाज क्राइंग ऑन द फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड फिर कुछ नहीं अच्छा फर्स्ट ईयर था दोस्त मिले इंटरेक्शन हुआ बहुत इंटरेक्शन हुआ और फिर उसके बाद पता चला कि लाइक एट द एंड तुम कौन से भी कॉलेज में जाओगे तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं यू कैन डू वेल तुम अच्छा प्लेसमेंट ला सकते हो कॉलेज मैटर्स आई नो कॉलेज मैटर्स अ लॉट At the end, if you have very good skills, if you are confident enough, then you can get a very good place. So, postponing that away, it was my. So, basically, to answer your question, when I was child, the boss would say, "From me, you should be where I am from here." You could be another character, you could be another. But you can not be popular here, but later my dream was to become CA. And she said, okay, जो भी करना है कर. And then I said, उन्होंने भी मुझे कभी post नहीं किया. But later my sister, she became engineer computer. So वो मुझे पता था कि when I was in 10th, so ये होता है, वो होता है, this is point C, C++, and all that things. So वो interest वहाँ से मेरा start हुआ. Then I decided to okay, these things are cool. So we can do something in this way. So then I decided to like engineering karna hai because my interest was developed because of my sister. And at that time I decided to karna hai to computer mein karna hai. And then computer mein admission kiya and everything was smooth. So I guess it was a good decision to become an engineer and not CA. जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया मतलब इंजीनियरिंग चुनी तो आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था लाइक प्लेसमेंट्स लेके जॉब सीकर करना था 25 को नौकरी 40 को नौकरी फिर क्या भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज या फिर सब कुछ स्टार्ट हुआ डेवलप करता था तो जब कॉलेज ज्वाइन किया तो ऑनेस्टली ऐसा कुछ मन में नहीं था जैसा सबके आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रहता है कि कोई तो अच्छा जॉब देना है वही एक था कि I have to do better and grab the good placement तो वही था startup वगैरह का मैंने इतना नहीं सोचा था कि और अभी भी नहीं सोचता हूँ मैं I don't know कि क्यों I thought कि startup वगैरह करना चाहिए but I think कि नहीं job देखो better तो वो तो नहीं सोचा था and it was not planned कुछ भी plan नहीं था मेरे से things happened the way it happened उसके बाद इंजीनियरिंग में आगे बढ़ा बाकी चीजों में मतलब मैंने सोचा कि यार बारह इतना इतना पढ़ लिया अभी थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ इंजीनियरिंग में की थी पढ़ाई जैसे नहीं कि मेरा सीजीपीए बहुत कम was around 8.5 so उसके बाद so startup का भी सोचा नहीं था मैंने like my dream was never coming into computer engineering first of all लेकिन आ गया अभी आ गया तो अच्छे से करना है so कर रहा हूँ and startup का कभी सोचा नहीं था मैंने I have a dream right now कि open a workshop for automobiles and a small cab. So jobs का जब मैं third year में था तब थोड़ा सोचने लगा था क्योंकि तभी थोड़ा फोर्थ ईयर वालों से इंटरेक्शन हुआ था मैंने सुना था यार अच्छा है ये मतलब उनको पैकेज मिल रहा है प्लेसमेंट इस तरीके से होता है तो थोड़ा बहुत सोचने लगा था लेकिन सीरियसली मैंने तभी लिया कि जब अपना फोर्थ ईयर का ऑगस्ट चालू होता है तभी थोड़ा सीरियसली लेने लगा उससे दो तीन महीने पहले लेकिन आई वुड सजेस्ट कि तुम थोड़ा पहले सीरियसली ले लो जब तुम्हारा सेकंड ईयर एंड होता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दो प्लेसमेंट्स का या फिर इंटर्नशिप्स का एटलीस्ट सोचना स्टार्ट कर दो दैट आई वुड सजेस्ट फोर्थ ईयर तक मत रुको क्योंकि वो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि तुम मतलब बाद में देखते हैं अभी से क्या है द डिफरेंस मैं बोलता हूं कि लाइक जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनके इसमें कि वो एक ग्रुप बन जाता है उनके स्टूडेंट्स में वो पहले से ही कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उनका पहले से ही हैकेथॉन्स पहले से ही प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप्स ये सब पहले से स्टार्ट कर देते हैं और थर्ड ईयर मिडिल तक उनका आई गेस प्लेसमेंट भी स्टार्ट ही हो जाता है
लेकिन अपने यहाँ थोड़ा अलग होता है, अपने यहाँ हम इतना सोचते नहीं है, और बाद में लास्ट में ना वो हिट होता है कि यार कंपनीज आ रहे हैं, तो हम अपने पैर पे ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के केस में वही होगा, बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं जो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहते हैं, थोड़ा बहुत ये रहते हैं, लेकिन आई थिंक कि सबने स्टार्ट कर देना चाहिए अगर सेकेंड ईयर में। वैसे भी अगर आप इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन मैंने गेट भी दी टाइम पास में दी थी, लेकिन मैंने थर्ड ईयर में दी थी, तो उसमें भी ये मतलब जो सब्जेक्ट है आपके DBMS वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके इंटरव्यूज भी अच्छे से। So that was lovely. So now the next question is, our bus audience like what is it of course like third year in crowded. So could you tell us about India approach for each year? Because बहुत लोगों को पता होता है कि resources और opportunities को कैसे grab करना है कौन सी year में कितने time में. So can you tell us that what should a first year person do and so on second year third year final year तक आते हैं बंदे को किस तरह से prepare हो? One of the important, as you said that you pass out corona examination. Okay. So you said that you have work on your skills. What message would you like to give to all the students sitting over here? How should they enhance their skills, build their skills? क्या होता है ना कि confused हो जाते हैं सब लोग कि मैं web पर या data science कुछ भी एक और भी बोल रहा हूँ। एक बोल पर कैसे fix करने का? और आपने क्या problem किया? To answer first, I'll answer your question. Well, मुझे ले जाना है, web development करना है या फिर क्या करना है? So it all depends on if you like to do coding, then you want to be in such a place जहाँ पे packet का काम ज़्यादा हो, database and all that thing. So first of all, you need to think कि मुझे क्या करना है. I like to do coding और फिर मुझे कुछ ऐसा करना है जिसपे ज़्यादा coding की ज़रूरत नहीं हो. So you have to figure it out. What is my life? तो उसके ऊपर you can decide. And another thing is बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि I should prepare Java or I should prepare C++ or Python. So I will tell कि it doesn't matter. When interview comes, you just give problem statement. वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि Java में solve करना है, C++ में solve करना है या Python में solve करना है. You just give problem statement. It doesn't care. You just wanted to see कि क्या logic apply कर रहे हो और क्या कर रहे हो. आरटीसी देर से होती वन कंपनी जिसने मुझे स्पेसिफिक बोला था कि जावा में करना है. एंड अदर देन दैट आई डिडंट सी एनी कंपनी की जिन्होंने स्पेसिफिक जावा के लिए या पाइथन के लिए या फिर सी प्लस कोई भी लैंग्वेज के लिए बोला रहता है. ऑल दे वांटेड टू नो इज तुम्हारे लॉजिक्स कैसे हैं, हाउ डू सी टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम. सो या दैट वन थिंग. एंड इफ यू वांट टू गो इन डेटा साइंस और एआई जो है सो यस एट दैट पॉइंट पाइथन इज नेसेसरी. अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि जावा C++ या पाइथन इनमें से कोई भी लैंग्वेज एक परफेक्ट करनी है या सारे परफेक्ट करना है. बिकॉज दे नो इफ योर लॉजिक इज स्ट्रॉन्ग इट जस्ट द सिंटैक्स चेंज. अगर तुमको फॉर लूप कैसे इतना है कैसे काम करता है पता है, तो पाइथन में भी जस्ट सेम इट वर्क्स एज सेम बस सिंटैक्स अलग हुआ. प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है वही पता है, तो जावा भी वो वही करने वाला है, पाइथन में भी वही करने वाला है, जस्ट सिंटैक्स चेंज हुआ. तो फोकस ऑन बिल्डिंग योर लॉजिक स्किल्स कि कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम, उसको अप्रोच कैसे करना है. एंड फॉर क्वेश्चन लाइक अप्रोच नो होनी चाहिए, जो कि जैसे फर्स्ट ईयर में बंदा आता है तो एकदम जी लेके आता है और आपको स्टार्ट करना है तो कर के रहना तो एक टाइम की वाले स्लाइड पर मैंने सोचा था कि सो मैं एक बंदे से हुआ था तो लोग सोचने पर से मुझे अब तो कॉलेज में इतना अच्छा करूँगा कि 1 करोड़ में पहले इसको मारना ही है गूगल का. क्यों सोचते हो कि नहीं तुम लोग? You don't
you can't acquire the skills, type of skills. So at that point, eligibility is just event. So you should take part in that event. जब फिर स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म करना है कुछ भी करना है एंड सो सेकंड ईयर देयर इज सेकंड सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लेसमेंट बिकॉज़ थिंकिंग अबाउट प्लेसमेंट सेकंड ईयर में पीएसए बुक्स उसके अलावा कुछ नहीं पूछते मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर सेकंड ईयर आई गेस नेहा पटेल ने बोला है कि इंटरव्यू में यही सब पूछते हैं एंड इट्स ट्रू बुक्स एंड पीएसए के अलावा कुछ नहीं पूछते तो सेकंड ईयर में योर को फोकस आता है थर्ड ईयर में आई विल से कि स्टार्ट कोडिंग hacker and digital platform hacker and code courses they could if you really want to grab the achhi company mein jana product based company mein jana so you should start in third year I mean most of the people thinks ki abhi to third year ka time but ye same question fourth year mein puchna ya third year mein aise bola tha good time and abhi same situation maybe exam ke liye hota hai ki exam ke liye pehle used to think ki do din pehle pad jata thoda acha hota तो दिखाई पास लेके आता था अच्छा बट दिस इज द लास्ट स्टेज फॉर मोस्ट ऑफ यू क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद आई डोंट नो कितने लोग आज साइंस करके आए हैं तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली एंड थर्ड ईयर में यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग कोडिंग एंड अदर थिंग्स क्योंकि फोर्थ ईयर में तो प्रोजेक्ट एंड ऑल कंपनीज आते हैं तो थर्ड ईयर में यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स फोर्थ ईयर में टाइम नहीं मिलता है आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो इंटर्नशिप्स होती है और बाकी सब चीजें भी होती है यू डोंट कम टू कॉलेज आल्सो दैट हैपेंस तो फर्स्ट ईयर से अगर हम स्टार्ट करेंगे मुझे लगता है फर्स्ट ईयर से अगर हम फर्स्ट ईयर में होंगे अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे कंप्यूटर कोई कंप्यूटर साइंस लेता है आईटी लेता है या जॉइन करता है या फिर किसी का तो स्कूल से स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर में कैसे होता है आप एक ग्रुप में रहते हो आप देखते हो कि किसी को अच्छे से कोडिंग आ रहा है किसी को नहीं आ रहा अगर आप फर्स्ट ईयर में ऐसे मत सोचो कि यार मैं बहुत पीछे रह गया ऐसे कुछ नहीं होता अगर आप फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करोगे ठीक से स्टार्ट करना ऐसे नहीं कि आपने एक महीना कर लिया दो महीना कर लिया फिर आपने बीच में गैप ले लिया वो आप भूल जाओगे और द सेकंड एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव इज कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई तो कोर्स फॉलो करेंगे यूट्यूब पे जाएंगे या फिर यूडेमी या फिर ऐसा कोई तो कोर्स करेंगे विद थिंग और विद फील कि हमारा हो गया पाइथन सीख लिया हमने 30 आवर्स का कोर्स कर लिया तो सीख लिया अगर आप सिर्फ कोर्स कर रहे हो ना आप उसका सिर्फ 10% ही सीख रहे हैं 10-15% 20% ही सीख रहे हैं बाकी 80% जो आता है वो आपके प्रैक्टिस से आता है सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कितने भी कोर्स कर लो कुछ फायदा नहीं होगा एट द एंड आप उसको भूल जाओगे सो फर्स्ट ईयर में मुझे लगता है कि पहली बात तो जो अपना एकेडमिक्स होता है उस पर थोड़ा ध्यान दो मतलब बैक मत लगने दो ये सब चीजें बाद में प्लेसमेंट्स में बहुत फर्क पड़ती है और फोर्थ ईयर में तो बात पढ़नी ही पड़ती क्योंकि आपका लाइफ अगर बैक रहा तो आपको कंपनी फॉर्म ही नहीं भरने देती और वहां से ही आपने चेक हो जाता भले ही आपकी स्किल्स बहुत बढ़े हो मतलब आपको कोडिंग बहुत अच्छे से आती हो लेकिन फिर वही की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है और रिग्रेट मत रहने देना आपने लाइफ में कि ये मिस हो गया वो मिस हो गया इसका मैंने फॉर्म नहीं भरा वो मेरा मेरे से छूट गया मेरी तरह से हो गया फर्स्ट ईयर से जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एजुकेशन में अपना इंटर्नशिप्स में बाकी चीजों में एलिजिबिलिटी टू या फिर हैकेथॉन अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा हो पार्टिसिपेट करो आपको एटलीस्ट चार चीजें नहीं पता चल जाएगी जिस पर आप बाद में काम कर सकते हो फॉर एग्जांपल आप किसी हैकेथॉन में गए या फिर किसी इवेंट पे गए कॉलेज में आपको चार लोगों से मिलने को मिलेगा और वहां पे आप कन्वर्सेशन जब करोगे तब आपको पता चलेगा अच्छा इस कॉलेज में ये भी चल रहा है या फिर मेरे ये फ्रेंड सर्कल में ये भी कर रहे हैं ये कोडिंग ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है या फिर इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है अगर आप उस समय भी इतना प्रिपेयर नहीं हो आप बाद में घर पे आके वो प्रिपरेशन कर सकते हैं सेकंड ईयर में अगर आओगे तो आपके बहुत कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बुक्स रहता है डीएसए फोकस करना पड़ता है डीबीएमएस इंपॉर्टेंट है उसके बाद सिस्टम डिजाइन भी इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में लेकिन फिर भी एक बेसिक लेवल का नॉलेज तो आपको चाहिए टेस्टिंग पे भी ध्यान नहीं देता एसटी के वजह से सब्जेक्ट होता है सब बोलते हैं यार तेरी सब्जेक्ट है हम पढ़ते भी इतना ज्यादा नहीं है और इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं लेकिन वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू में मेरा पूरा इंटरव्यू हो गया था कोडिटास कंपनी है तो उसको 40-50 मिनट्स का इंटरव्यू था सब टेक्निकल पूरा पूछ लिया वेब डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत पूछ लिया और बाद में एंड में मुझे इसका पूछा कि कौन सा मॉडल यूज किया जाता है कंपनीज में वाटरफॉल मॉडल
या कौन सा होगा। तो मैंने आंसर दे दिया क्योंकि मैंने थोड़ा जो पहला इंटर्नशिप था उसमें एप्लीकेशन किया था उसका, थोड़ा पढ़ा भी। तो वही कि बच्चे क्या करते हैं कि बाकी सब छोड़ देते हैं, यार ये तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं इंटरव्यूअर्स, क्योंकि उनको उनको भी पता होता है कि आप सिर्फ चार सब्जेक्ट से पढ़ के आए हैं, मतलब आपको डीबीएमएस ओप्स डीएसए ये सब तीन चार पाँच ही सब्जेक्ट। अगर उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया तो आप पैनिक हो जाएंगे, उसके बाद आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आप आगे के क्वेश्चन नहीं दे पाओगे। सो वो एक चीज़ है। सेकेंड चीज़, कौन से स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि लैंग्वेज आप जो भी अभी कर रहे हैं जिस पे आप अच्छे हो उसी पे फोकस करो। तीन या चार राउंड होते हैं इंटरव्यूज के। फर्स्ट राउंड इज ऑनलाइन टेस्ट, उसमें आपको एमसीक्यूज रहते हैं रिलेटेड टू डीबीएमएस ओप्स, कुछ कंपनीज में सीएसएस और उसका भी देते हैं एसटीक्यूए। और फिर उसके बाद होता है दो क्वेश्चन रहते हैं कोडिंग के, आपको अराउंड 45 मिनट्स देंगे, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, कोई 45 मिनट्स देता है, कोई 1 आवर देता है, कोई हाफ आवर देता है। सो आपका जितना जो पैकेज है या फिर जो कंपनी को आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। सो उस जो सेकेंड राउंड रहता है उसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का चांस मिलता है, अगर जावा करना है जावा में कोड करना है तो उसमें कर सकते हो, पाइथन में करना है तो पाइथन में कर सकते हो, सी प्लस प्लस सी में भी कर सकते हो। सो आई गेस तो मुझे लगता है कि एक कोई तो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से, और उससे मैं बहुत अच्छा करूँ, प्रॉपर उसमें स्किल्स डेवलप करो, प्रैक्टिस बहुत करो। आप अगर कोर्सेज कर रहे हो तो ठीक है, कोई छोटी बात, कोर्सेज इज जस्ट अ स्टार्ट, आप उसको कोर्स करके खत्म हो गया कुछ आप ऐसे कभी नहीं होगा। बिना देख के ट्राई करो कि कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लीडकोड है, लीडकोड थोड़ा हार्ड है, हैकर एप से स्टार्ट कर दो, और एटलीस्ट मतलब कंसिस्टेंसी रखो। तुम मतलब एक महीना अगर तुमने कर लिया फिर उसके बाद आप दो तीन महीना नहीं करोगे या फिर किसी और चीज़ में, आप बोलते आप बोलोगे कि यार कॉलेज का एग्जाम्स आ रहे हैं, सबमिशन आ रहा है, आई एग्री, मैं मेरे असाइनमेंट्स पेन से नहीं पढ़ता बाय द वे, सो मुझे टाइम मिलता था ये सब चीज़ें करने में। आई मतलब बातियों का अलग अलग हो सकता है, एंड अपने हिसाब से टाइम मैनेज करो, हर एक का अलग अलग होता है, किसी को ट्रैवलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, कोई अपने घर पे रहता है, कोई हॉस्टल पे रहता है, तो उस हिसाब से टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स है जो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और सेकेंड थिंग डेवलपमेंट फैक्टर, सो आप जब कंपनीज में जाओगे सो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट मिलेंगे। आप अगर सी प्लस प्लस में एग्जाम दे रहे हो आपका अच्छा मतलब आपका बैकग्राउंड सी प्लस प्लस का है तो वो कंपनीज डिसाइड करती है कि आपको कौन से स्टैक में उसमें डालना है, डोमेन में डालना है। तो मुझे तो अभी डेटाबेस में काम मिला है। सो हाँ, आप एक साल या फिर थोड़ा कुछ रुक के आप कंपनी या फिर मैनेजर से अप्रोच कर सकते हो कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, आप मुझे उस प्रोजेक्ट में डालो, वो डाल देंगे, ऐसे नहीं। मैनेजर्स मुझे लगता है बहुत सारे मैनेजर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, सो बस आपको बोलना पड़ेगा वो सब चीज़। डीबीएमएस डीएसए सिस्टम डिज़ाइन सीएम कंप्यूटर नेटवर्क्स के जहाँ से मतलब मैंने 10 इंटरव्यूज के आसपास दिए थे, मुझे उन इंटरव्यूज में इतना कुछ कंप्यूटर नेटवर्क का पूछा नहीं गया। अभी मुझे पूछा नहीं गया था इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूछते नहीं है। मैं मेरा एक फ्रेंड था उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि उसको एक कंपनी में बोला कि टू सब्जेक्ट दैट यू लाइक द मोस्ट, टू सब्जेक्ट दैट यू डोंट लाइक द मोस्ट। उसने डोंट लाइक द मोस्ट में सीएन बोल दिया कंप्यूटर नेटवर्क, उसको पूरा इंटरव्यू सीएन ही पूछ लिया उसने जो इंटरव्यू था, तो लग गई उसकी। तो लेकिन फिर भी आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है आप इंटरव्यू से जा रहे हैं आपका 100% आ जाएगा, एवरी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 80% आ सकता है, 90% आ सकता है, बाकी का 30% आप कैसे टैकल करते हो उस क्वेश्चन को वो इंपॉर्टेंट है। मुझे क्लाउड के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बोला आता नहीं इतना लेकिन थोड़ा बहुत पता है, मैं थोड़ा एक डेफिनेशन जो अपने बुक में रहता है वो बता दिया, एग्जाम्पल्स बता दिए, थोड़े सेल्स को उसके बता दिए, AWS का बता दिया, एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन बता दो, डेफिनेशन बता दो, और इंटरव्यूअर को बस ये जानना है कि आपको कितना इंटरेस्ट है चीज सीखने में या फिर पता करने में, उसको ये ठीक है मतलब टू एन एक्सटेंट वो ये पता कर सकता है कि आपको सब आता है, लेकिन उसके बाद फिर वो ये देखता है कि कैंडिडेट को कितना इंटरेस्ट है, ये सीखना कितना चाहता है या फिर इसको कितनी चीजें करनी है, तो वो एक है। तो थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक आपको अपना सब टेक्निकल स्किल्स मुझे लगता है अच्छे से कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि थर्ड ईयर के आप फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में जब आओगे तब
कभी इंटर्नशिप ढूंढना चालू कर दिया और इंटर्नशिप एक अच्छी कंपनी में ढूंढा, अगर आपके कोई सीनियर्स हैं उनसे रेफरेंस मांगा या फिर कोई भी पहचान वाले हो उनसे पूछना कि इंटर्नशिप ओपन है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे लिंक्डइन और ये सब। सो अभी का मार्केट सिनेरियो वैसा है कि रिसेशन चल रहा है, लेऑफ चल रहा है, मेरी कंपनी में लेऑफ चल रहा है, सो अभी कॉलेज में भी शायद प्लेसमेंट्स कम हुआ है इसका, सो वो तो हो गए, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वही कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको ग्रैब करो, क्योंकि आप थर्ड ईयर में किस चीज़ में इंटर्नशिप करते हो वो मैटर नहीं करेगा। आप अगर बोलोगे मुझे टेस्टिंग में इंटर्नशिप नहीं करना है क्योंकि मुझे डेवलपमेंट में जाना है, तो वो इंटर्नशिप में इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड आप सीख रहे हो, आप एज एन इंटर्न आप सीख रहे हो, आपको इंटर्नशिप में अगर पैसे मिल रहे तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको रिज्यूम ऐड कर दोगे। इंटर्नशिप का एक और चीज़ ये होता है कि जब आप इंटरव्यू देते हो तो तभी अराउंड 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, 30-40 मिनट्स। तो मैं जितने भी मेरे दोस्त नामन से एक बार बात हुई थी या जो भी दोस्त है, मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यूज को आप अपने हिसाब से लेके जाओ, अपने हिसाब से कैसे लेके जाओ, जब आप इंटरव्यूज का जब बिगनिंग इंट्रोडक्शन देते हो कि मेरा नाम ये है, मुझे इतने इतने सीजीपी मिला है, मैंने ये इंटर्नशिप किया और मेरा उसकी स्किल सेट ये स्किल सेट है और ये मैंने चीजें की है कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स और ये पोजीशन पे था, मैंने ये इवेंट मैनेज किया, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता आपने क्या मैनेज किया, क्योंकि नहीं फर्क पड़ता बस। लेकिन वो एक अच्छा है कि यार भाई पढ़ाई पढ़ाई नहीं करता था, थोड़ा बाकी चीजों में भी था, सो बर्न आउट कर रहा है, वो एक थोड़ा इमेज कंप्लीट हो जाए। सो जब आप बताओगे कि इंटर्नशिप्स किया है, थोड़ा एक लाइन में मत बताओ, थोड़ा उसको डिस्क्राइब करो, क्योंकि 40 मिनट्स आपको खाना है उधर, कैसे आप खत्म कर रहे हो 40 मिनट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आप 10 मिनट तो अपने लिए ले लो ताकि जब इंटरव्यूज क्वेश्चन पूछे उसको 20 मिनट मिले, उसको जितना कम टाइम। ऐसा भी मत करो कि आप ही बोलते जा रहे हो, थोड़ा प्रिपेयर करो, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, जब आप इंटर्नशिप मैंने ये इंटर्नशिप किया था तो उसके बारे में बताओ कि मैंने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया था, उसके बाद 2 या 3-4 महीने में बता दो कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया था और उसका ऐसे ऐसे यूज हुआ, ऐसे बता देना। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जब आप फोर्थ ईयर के फर्स्ट टाइम तक आपको 1 या 2 इंटर्नशिप्स करना चाहिए, 2 या 3 प्रोजेक्ट्स करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स उठाओ, अगर उठा भी रहे हो कहीं से तो उसका नॉलेज रख। मुझे पता है इंजीनियरिंग में उठाते हैं प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स ना पास से उठाओगे या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी, तो उसका अच्छे से नॉलेज रख, क्योंकि अगर क्रॉस क्वेश्चन कर लिया उसने कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्यों यूज होती है या फिर इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का क्या यूज है, तो उसको आंसर करना चाहिए। तो आप अगर कहीं से ले भी रहे हो प्रोजेक्ट तो उस प्रोजेक्ट का डीप नॉलेज चाहिए। So, वहाँ पे 10-15 मिनट चले जाते हैं and if you really work on that thing, अगर आपने सच में इंटर्नशिप में उस चीज पे काम किया है तो उसको डिलीबरेटली ग्रैब किया स्टडी पे ही, तो ये जस्ट ऊपर ऊपर फेंकने के लिए नहीं बोल रहा है या फिर रिज्यूमे में डालने के लिए बस नहीं डाल रहा है। सो इट्स वेरी गुड पॉइंट कि यू हैव टू टर्न द इंटरव्यू इन योर फेवर। इंट्रोडक्शन में ऐसा करना है कि वो उसने क्वेश्चन ना पूछ के तुमने जो बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। So most of us have an interest in the same thing. So I wanted to ask you, what is the major difference between doing an interesting and actual corporate job? So there is not much difference if you have done an internship in really good company. I mean, many many times we have seen that there are companies used to pay us कि तुम मुझे 3,000 रुपए दो, 5,000 दो, और we provide the internship certificate. That doesn't make any sense. अगर वो तुमसे पैसे ले रहे हैं, just to provide an internship certificate, and they will say कि हम आपको ये सिखाएंगे, final में ये project करेंगे, वो भी report analysis project, जो भी data science project. So that doesn't make any sense. So
इंटर्नशिप भी ढूंढना है तो अच्छे कंपनी में ढूंढना है जहाँ पे इवन वो साइपर नहीं दे रहे हैं, इट्स फाइन, आपको वहाँ पे एक्चुअल काम करने मिलेगा, उनके प्रोडक्ट पे काम करने मिलेगा, तो ऐसे इंटर्नशिप ढूंढना है। बाकी वेन यू डू द इंटर्नशिप ना, तो ये वाला बताया कॉलेज की हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स, कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, तो इट विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू ऑल्सो एंड वेन यू ज्वाइन द फुल टाइम। और बहुत बार ऐसा होता है कि इफ यू डन एन इंटर्नशिप तो दे विल ऑफर यू द पीपीयू, वो वहीं पे पीपीयू से ऑफर कर देते हैं, तो आपको वो एक माइंड से चला जाता है कि ओके एट लीस्ट आई हैव वन ऑफर। सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इफ यू आर डूइंग इंटर्नशिप इन गुड कंपनी, इसके अंदर तो मे बी यू हैव एक्सपीरियंस, आपको भी बहुत सारे आए थे कि डेटा साइंस का प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप क्यों भी पाया था सर, और वी प्रोवाइड इंटर्नशिप एंड ऑल दैट थिंग्स, सो डोंट फॉल फॉर दैट। वो हजार लोगों के लिए एक ही प्रोजेक्ट देंगे, एक ही सर्टिफिकेट देंगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। इंटर्नशिप्स एयरफोर्स इंटर्नशिप आई गेस 4 डे पे स्टार्ट हुआ था ऑगस्ट में, दिसंबर तक चला वो सेकंड इंटर्नशिप 2 मंथ्स की, फिर उसके बाद मेरा एफआईएस ऑनबोर्डिंग हो गया था। फिर इंटर्नशिप्स का ऐसा है कि आप जब जाते हो तो आपको सिखाते हैं सब चीजें, आपको सिखाए कि आपके नॉलेज ट्रांसफर सेशंस हो गए, आपको कोर्स दिया जाता है, आपको इतने हाई लेवल के टास्क नहीं मिलते, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाता है कि कैसे काम चीजें काम करती है, मैनेजर्स आपको मीटिंग्स कैसे होती है, मीटिंग्स में क्या बात करना पड़ता है, जीरा क्या होता है, गिट कैसे यूज करते हैं, अलग अलग क्या क्या टेक्नोलॉजी स्टैक यूज हो रहा है कंपनीज में, वो आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है। तो इंटर्नशिप का इंपॉर्टेंट है, तो सजेस्ट करूंगा कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंटर्नशिप्स कैसे ले, मिल नहीं रही है या फिर कॉलेज में इतना आ नहीं रही है, तो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी मैजिक सॉफ्टवेयर में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, कॉलेज थ्रू ही मिली थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने उसका फॉर्म भरा, तो मैं मैनेजर से पहले बोला कि आप अपॉर्चुनिटीज मिस मत करो, बहुत लोगों को पता ही नहीं था ये कंपनी आ गई है कॉलेज में, तो उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, इंटरव्यू ही नहीं किया और मिली भी, अगर आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको मिलेगा किसी, तो कॉलेज इसलिए का इंटर्नशिप तब आप ट्राई करो, अगर आप प्रिपेयर नहीं है फिर भी आप इंटरव्यू में बैठो। सेकंड चीज की जैसे कुणाल से बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, टीचर्स थ्रू भी कुछ इंटर्नशिप्स मिलती है, जैसे उसको जो इंटर्नशिप मिली थी वो लिंकर सर को मिली थी, तो आप टीचर्स को अप्रोच करो अगर उनके थ्रू, उनको पूछो कि आप जब आप खुद पूछो, वेट मत करो कि कोई आके बोल रहा है यार ये इंटर्नशिप ऊपर नहीं अप्लाई करो, आप खुद जाके पूछो, जरूरत हमको है, राइट। सो वो एक है, अगर आपका कोई रिलेटिव है या फिर कोई पहचान वाला किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उससे बोलो कि आपकी इसमें कोई पोजिशन है कहीं एज एन इंटर, उनको रिफर करने बोलो। आई वुड सजेस्ट कि सेकेंड ईयर से आप लोग अपने लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे अभी मार्केट चल रहा है लिंक्डइन बहुत जरूरी पड़ने वाला है बहुत लोगों को, क्योंकि ऑन कैंपस भी नहीं मिल सकते हैं इतनी अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने बोला कि लिंक्डइन आपने स्टार्ट कर दिया, आपने अगर मैसेज करना चालू कर दिया कुछ कंपनीज के लोगों को तो आपको मिल जाएगी, इतना ईजी नहीं है, आपको बहुत सारे लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोगों को रिज्यूम सेंड करना पड़ेगा, बहुत सारे रिजेक्शन भी मिलेंगे, लेकिन आप ट्राई करते रहो क्योंकि आपके पास कोई दूसरा है ही नहीं ना, आपको बस ट्राई करना है, आप स्टूडेंट लाइफ में आपको बस ट्राई करना है, नई चीजें करनी है, इंटर्नशिप्स आपको बहुत कुछ सिखाएगी और स्टाइपेंड मिल रहा है तो अच्छी बात है। सेकेंड चीज जैसे कुणाल ने बोला वो वाले इंटर्नशिप मत करो जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप ये कोर्स सिखाएंगे, आप पाइथन सिखाएंगे, एंड में एक प्रोजेक्ट कर देंगे और वो कोर्स ही हुआ, वो इंटर्नशिप नहीं, राइट। इंटर्नशिप आप प्रॉपर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जहाँ आपको थोड़ा बहुत काम करने को और सीखने को मिल रहा है उस टाइप की कंपनी में, और ऑफकोर्स मतलब थर्ड ईयर में आप आओगे आप बोलोगे कि यार मेरे स्किल्स इतने डेवलप नहीं है तो इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कैसे करो, और इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही है इसलिए अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा या फिर वो लूप में फंस जाते हैं, तो इसीलिए सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चालू करते हैं। 6-7 months of good preparation will land you into a good internship, और उस internship के basis पे आप interviews में भी बहुत कुछ बोल सकते हो, और जैसे interviews में बोल सकते हो और उनको लगता है कि हाँ इसको मतलब आपके पास दो candidates हैं, दोनों भी अच्छे score किए हैं, test में अच्छा score है, उनका interview भी अच्छा हुआ, तो मैं एक candidate को कैसे select करूँगा, मेरे पास एक ही seat है,
तो वहां पे थोड़ा अलग दिखने का ट्राई करो। इंटरव्यूज में अलग दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स ये दो चीजें आपको एक थोड़ा प्लस पॉइंट दे सकती है। सीजीपीए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है इंटर्नशिप इज मोर इंपॉर्टेंट। एक रीसेंट सीजीपीए आप मेंटेन करते रहो 8 के ऊपर, उसका फायदा आपको प्लेसमेंट्स में भी होगा और अगर आपको मास्टर्स करना है तो उसमें भी होगा। सो सीजीपीए इज इंपॉर्टेंट और स्किल्स डेवलप करना तो इंपॉर्टेंट ही है, तो बैलेंस रखना सीखो। जैसे आपने इंटर्नशिप की, आई जस्ट वांट टू ऐड कि सबके माइंड में एक फियर होता है कि मुझे आता ही नहीं कुछ, मैं अप्लाई करके क्या करूं। ओके, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम थर्ड जनरेशन से थे एंड उनके मन में ये क्वेश्चन है कि अभी तक कुछ किया तो नहीं है और आप बोल रहे हैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, तो उसको कैसे फैक्टर करें? मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, लाइक मेरा और मेरे फ्रेंड का। There is a term in Marathi, Panas Pateshwar Pahala Pateshwar. So, many internship with the AIM, and at that time, AIM में कुछ नहीं पता था, deep learning क्या है, क्या नहीं। It just, वो ऐसा लगता था कि यार बहुत अच्छी technology है, AIM में जाना है। And when the internship starts, so यही same fear था, even when I joined full time, same fear था कि when I joined Veritas, I share my experience, मैं जब first day पे गया, तो वहाँ पे there are students from PCCOE, COE, PIT. So there are students from Kerala College only, IIT and other things. So they may have to get out of when they ask questions now, when the session start kiya, to give the introduction about product and other things. Your terms ka naam hai pehli baar sun lo, and they start question ki ye kyu hai, ye term kya hai, ye kya hai. So wo ek inferiority mein jaate hain, sir ki mujhe kuch nahi aata, ye logon ne लोगों ने गूगल में काम किया था, इंटर्नशिप अमेज़न में की थी, तो देयर आर स्टूडेंट्स लाइक दैट। बट हो जाता है व्हेन यू, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इट्स 100% श्योर कि हो जाएगी, बट इफ यू ट्राई देयर आर चांसेस कि हो जाए। एंड एज आई सेड पाटक पेटर को आई डोंट शिकन दैट, सो डोंट फियर एंड देयर आर पीपल टू हेल्प। आप जा रहे हो, इट्स ऑब्वियस कि आपको नहीं पता, आपको जीरा किस यूज करते नहीं पता, एंटरप्रेनर किस यूज करते नहीं पता, सारे टर्म्स दे रहे हैं, बट देयर आर सीनियर्स, देयर सम हो कि यस हम भी इससे गए हैं, वी आल्सो डोंट नो कि ये क्या होता था, तो देयर इज हेल्प एंड वो हो जाता है। बट जस्ट इट जस्ट कि आपको उस स्टेप में जाना है एंड यू हैव टू स्टार्ट। अगर आप यही सोचते रहोगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है और उधर आता है वहाँ पे जाके क्या करोगे, अगर ये सोचे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जाओगे नहीं तो इट्स 100% कुछ होने नहीं होगा, वहाँ पे जाओगे तो बहुत कुछ होगा। इंटर्नशिप्स का फियर किसे दूर करें? सो आई थिंक कि जब आप इंटरव्यूज देते हैं कौन सा भी है, इंटर्नशिप के लिए या फिर फुल टाइम जॉब के लिए, तो कोई भी पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं रहता, मैं भी नहीं था। लेकिन एक चीज थी, मुझे लगता है कि मैंने क्या किया कि जब भी मुझे कुछ मिलता था या फिर इंटर्नशिप का चांस मिलता था, इंटरव्यू का चांस मिलता था, या फिर मैं अप्लाई करते छूट करता था। इतनी सारी चीजें अप्लाई की, इतने सारे पोजीशंस पे अप्लाई किया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा। मैंने लिंक्डइन पे क्रेडिट शूज के वीपी को भी रिज्यूम भेजा था, उसने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, बस नहीं मिला मुझे। लेकिन ट्राई करता था, अभी रिग्रेट नहीं है कि नहीं मिला यार, वो रिग्रेट नहीं है मेरे में। और अगर आप जब वो चीज रिग्रेट मोड में लेके चलोगे ना उसके बाद, तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो मुझे लगता है फोर्थ ईयर तक आपको टाइम है, जितना ट्राई कर सकते हो ट्राई करो, नहीं मिला तो ठीक है, तीन साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, अच्छा जॉब या फिर जॉब का ड्रीम पैकेज मिल जाएगा। इंटरव्यू का प्रिपरेशन, तो मेरा जब इंटरव्यू था मैशन सॉफ्टवेयर का, तो मैं एक दिन प्रिपेयर किया और फिर मैं चला गया था। हाफ आवर का इंटरव्यू था, तो उसने टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैनेजर ही था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फिर कौन से टेक्नोलॉजी में काम किया। प्रोजेक्ट्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप प्रोजेक्ट्स करते हो और इंटरव्यूज में जा रहे हो, तो प्रोजेक्ट्स लैपटॉप में ओपन रखना। मैं हर इंटरव्यू में जब मेरा इंट्रोडक्शन होता था, तो मैं एक चीज ऐड कर देता था कि लाइक आई हैव वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, इफ देयर इज टाइम कैन आई शो यू। इंटरव्यूअर ने पूछा भी नहीं है ना, तो भी आप बता दो, क्योंकि प्रोजेक्ट आपने किया है, आपको प्रोजेक्ट का नॉलेज है, आप 10 मिनट उस प्रोजेक्ट में ही वेस्ट कर सकते हो आपका टाइम, मतलब इंटरव्यूअर का टाइम, तो वो टाइम वहाँ पे चला जाएगा। मतलब मैंने वही किया था, सेम फॉर मैजिक सॉफ्टवेयर मैंने सेम किया था। मैंने आई गेस मोस्ट ऑफ द
था डील करते हैं, सेम प्रोसेस दिखाता था, उससे मेरा भी प्रैक्टिस होता था और फाइनल ईयर का प्रोसेस भी आप मतलब आपका पूरा कंप्लीट ही ना हो और आपका स्ट्रक्चर और कोडिंग और थोड़ा बहुत यूआई भी करना हो तो आप दिखा सकते हो दोस्तों, क्योंकि करंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड दिस टेक्नोलॉजी, आई एम होपिंग टू गेट दिस अमाउंट ऑफ रिजल्ट एंड आई एम ट्राइंग फॉर दिस, तो ऐसे आप बता सकते हो इंटरव्यू को इस तरीके से। फिर उसके बाद मैनेजर ने पूछे मुझे क्वेश्चन जब अपने कौन से कोडिंग लैंग्वेज आता है, फिर छोटा सा कोड करने के लिए बोला था, उसके बाद थोड़ा टेस्टिंग के बारे में पूछा था कि कौन से मॉडल्स होते हैं, कौन से टाइप के टेस्टिंग होते हैं, तो तीन क्वेश्चंस थे और हाफ आवर इंटरव्यू था, मुझे लगा नहीं था सिलेक्ट हो मतलब होने वाला था लेकिन हो गया। वेरिटास के टाइम पे मुझे याद है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने नहीं दिया था इंटरव्यू बिकॉज़ टफ था, वेरिटास का इंटरव्यू वाज टफ लेकिन और ज्यादा टाइम भी लगा, 15 मिनट्स का इंटरव्यू था, बड़ा था इंटरव्यू था। मैंने ये भी देखा कि कुछ कंपनीज बहुत कम टाइम में इंटरव्यू लेती हैं, L&T 10 मिनट का इंटरव्यू लेती है पर बिगर पैकेज, हमारे टाइम पे तो 8 लाख के इंटरव्यू मतलब 8 लाख के पैकेज के लिए उन्होंने 10 मिनट का इंटरव्यू लिया था और उसमें भी उसने मतलब इंटरव्यूअर ने 3 क्वेश्चंस पूछे थे, तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको ये क्वेश्चन पूछा मुझे ये क्यों नहीं पूछा, फिर बाद में आप ये नहीं कर सकते, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहो, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो इंटरव्यू में जाओ थोड़ा बहुत जितना आता है बताओ, एटलीस्ट आपका वो फियर जो होता है इंटरव्यू का वो चला जाएगा आपका आपका को फाइट कर लीजिए। जब मैंने एटीआई का कंपनी आना स्टार्ट हुई थी तो हमारे बैच में दो कंपनी आई एलएनटी और एटीआई और कैपजेमिनी, दोनों में मैं फेल हो गया था, बाकी सब मेरे ग्रुप में जो आज तक का ग्रुप था हमारा फर्स्ट ईयर से हम साथ में थे, सब चीजें साथ में करते थे, क्लास सब कोडिंग साथ में किया, सब चीजों में से पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब प्लेसमेंट्स का टाइम आया मैं प्लेस नहीं था फर्स्ट दो इंटरव्यूज में और वो सब प्लेस हो गए थे मेरी पढ़ गई थी, तो मैंने सोचा क्या होगा एटलीस्ट मुझे 3-4 लाख का तो मिल जाए, एटलीस्ट मैं सोच रहा था कितना मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा मैं मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड है आई गेस बहुत लोग पहचानते होंगे, तो मैं उसके साथ बैठा था दिन भर जब मेरा एटीआई का ट्रैक नहीं हुआ था ऑनलाइन, मैं उसको बोलता था क्या होगा मेरा कि बस लाइक आया हो जाता है कंप्यूटर में सब हो जाता है टेंशन तो आई वाज लाइक अच्छे दोस्त लोग पे वो बहुत काम आएगा आपको, जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि हो नहीं रहा है तो वही काम आएगी वो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देंगे, तो वो एक चीज है। और इंटरव्यू देते रहो, मैंने बहुत लोगों को देखा कि मेरा प्रिपेयर नहीं हुआ है इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, या फिर सेकेंड चीज इम्पोर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं फोर्थ ईयर में आ गया हूँ तो मैं अभी कुछ टाइम प्रिपेयर करूंगा बाद में अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा, वो मत करो, वो सबसे बड़ी गलती है कि आप बोलोगे कि मैं कुछ टाइम बाद अप्लाई स्टार्ट कर दूंगा, ट्राई करो कि फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेम में आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाए, सेकेंड सेम में मत वेट करो, भले अच्छी कंपनी आ रही हो ना आ रही हो वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट ईयर के फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेम में अच्छा पैकेज ले लो, क्योंकि फिर आपको थोड़ा एक ये हो जाता है आप स्टेबिलिटी मिल जाती है आपको कि हाँ मेरा हो गया कुछ, अगर आप पूरा टेंशन मतलब प्रोजेक्ट का टेंशन फिर आपके फोर्थ ईयर के एग्जाम्स का टेंशन और फिर प्लेसमेंट्स का टेंशन लेके अगर फोर्थ ईयर में चले गए तो बहुत प्रेशर बिल्डअप होता है और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, सो मैंने जैसे बोला पहले से स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना और एवरी इंटरव्यू में जाओ, अगर वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है जाओ कुछ तो बोल के आओ, बस दैट्स इट। तो एज एआई इंजीनियर्स जो भी करते हैं वो एक दिन के लिए करते हैं, मतलब एग्जाम की तैयारी हो असाइनमेंट हो प्रोजेक्ट हो, तो इंटरव्यू भी एक दिन पे कैसा फील हो रहा था क्या? इंटरव्यू पे एक दिन बैठे तो ऑब्वियसली डर रहता है, आई होप कि मैंने फर्स्ट कंपनी को अप्लाई किया था जियो, तो उसके एक दिन पहले वही था हमारा ग्रुप था तो ग्रुप में डिस्कशन भी क्या प्रिपेयर किया क्या नहीं ये क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे, तो बट इट्स नॉट लाइक कि एक दिन पहले स्टार्ट किया था, इट वर्क्स फॉर कॉलेज पेपर्स बट इट डजंट वर्क फॉर इंटरव्यूज। आई विल शेयर यू ऑल कुछ, तो व्यूज 12 पर आता है इसका इंटरव्यू है तो उस पर करना है बिकॉज इट्स ऑनलाइन तो मत है तो बहुत कुछ हो, सो मेरे क्रेडिट थी तो आज है पेपर वो लैपटॉप पे कैसे बैठे थे लैपटॉप स्पीकर पे था और फिर पीछे से नोटबुक पे उसके आंसर लिख के दे रहा था, जो भी इंटरव्यू पूछ रहा था मैं वो नोटबुक पे लिख रहा था और उसको लिखा रहा था,
फर्स्ट इंटरव्यू लिया था रिसेंटली, आपने एयरपोर्ट क्यों लगाया रिसेंटली, कुछ और ड्राइवर का प्रॉब्लम हुई एयरपोर्ट तक ले गए, देन वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के बाद रिसेंटली मुंबई जो भी है उसको पर बात है, इसने इमीडिएटली पकड़ लिया रिसेंटली, मुझे 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंटरव्यू में, मुझे पता है जो भी कोई रूम है उसको कोई बाहर जाए एंड प्लीज डोंट डू दिस, तो वो ये कहता है कि इंटरव्यूअर इमीडिएटली पकड़ लेता है, उसको पता चल जाता है व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस को पता है कि आंसर करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस है, उसने 15-16 साल ऐसे ही इंटरव्यू में लिए, उसको समझ जाता है कि अच्छा इसको आंसर पता भी है या फिर ये बस कुछ ना कुछ बोल रहा है, सो वो ये रहते हैं कि इंटरव्यू में जाना है तो खुद के दम पे आना है, ऐसा नहीं कि कोई हेल्प कर देगा वगैरह, इतना हेल्प फॉर यू कि एक बार हो जाएगा दो बार हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में वो ऐसा वर्क नहीं करता है एंड दे आर रियली एक्सपीरियंस पीपल, उनको पता चल जाता है, तो या दो तरीके के लोग होते हैं, लाइक एक जो पहले से ही प्रिपेयर करके आते हैं और एक जो लास्ट मिनट में तैयारी करके एग्जाम देने चले जाते हैं, तो किसी किसी को वो हेल्पफुल होता है कि लास्ट मोमेंट पढ़ लिया और अच्छे मार्क्स आ गए, किसी किसी को होता है कि लास्ट मोमेंट में पढ़ नहीं पाते, तो उनको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है, आई वाज वन ऑफ देम, कि मुझे बहुत पहले से लाइक मेरा स्कूल से पहले से आदत था कि मैं बहुत पहले से पढ़ता था और प्रिपेयर रहता था, ताकि एंड मोमेंट में प्रेशर मुझे अच्छा नहीं लगता था, कि मैं रात रात भर पढ़े, मतलब इंजीनियरिंग में मैं रात में इसलिए जाता था कि टाइम पास कर सकूं बाकी दोस्तों के साथ, तो एग्जाम से पहले इतना पढ़ना वो कभी नहीं था मेरे से, और सेम को इंटरव्यूज, तो मुझे याद है जब मैं अपना अभी तुम्हारा तो अलग सीन है कि कोविड के टाइम थोड़ा मैं एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, लेक्चर्स भी इतना ऑनलाइन नहीं होता था तो वो टाइम बच जाता था, तो मैं प्रिपेयर करता था, लेकिन तुम्हारा तुम्हें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेगी, 2020 के बैच से तुमको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तुमको वो भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम इंटरव्यूज में जाते हो तो तुम लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो, जो आई गेस ऑटोनॉमस कॉलेजेस में लास्ट टाइम से तुमको प्रोजेक्ट्स करना होता है या फिर इंटर्नशिप करना होता है, उनको एग्जाम्स नहीं होते, एसपीपीयू वालों का ऐसा होता है कि उनको एग्जाम्स भी देना पड़ता है, मिनी प्रोजेक्ट्स भी करने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होता है, आईटी सबमिशंस भी करना पड़ता है, और अगर आपको उनके साथ कम्पीट करना है तो ऑफकोर्स इंटर्नशिप भी करना पड़ता है, सो आई फील कि लास्ट मिनट में प्रिपेयर मत ही करो अगर आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक का अलग होता है, हर एक का स्ट्रैटेजी अलग होता है, अगर आपका दोस्त लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करके अच्छे से दे रहा है एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कर सकते हो, तो अपने अंदर आप खुद ढूंढ लो कि आपको कैसे प्रिपेयर होता है, मैं तो बहुत पहले से प्रिपेयर करता था एग्जाम्स में भी, मैं एक डेढ़ महीने से, ऐसे नहीं कि मैं पूरा चार चार पाँच पाँच घंटे पढ़ता था, लेकिन हाँ दिन में एक डेढ़ घंटा तो रीड कर ही सकते, एटलीस्ट आप रीड करना चालू करो, कि एंड में क्या होता है कि बुक्स भी ले रहे हैं स्टूडेंट्स के पास जी, और फिर बाद में आप बुक्स लेने जाओगे तो खत्म हो जाते हैं बुक्स, फिर जरा से लेते हो या फिर पीडीएफ से ही पढ़ते हो, मैं मुझे पीडीएफ से पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पे आप लाइक अंडरलाइन करके, मेरी आदत है कि मैं अंडरलाइन करके पढ़ता हूं थोड़ा अच्छे से याद होता है, तो हर एक की कुछ ना कुछ आदत होती है पढ़ने की, मैं रात को, मुझे नींद बहुत पसंद है, सोना बहुत पसंद है, तो मुझे पता है कि मैं रात को इतना नहीं जाग के पढ़ाई कर सकता, तो मुझे याद है एक पेपर था इलेक्ट्रिकल, तो मैं मेरे घर पे हॉल में मैंने पूरी रात ऐसे चल चल के पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं थी, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि अगर इसको मैंने पढ़ लिया होता पहले तो मेरे को ये करना नहीं पड़ता, अच्छे से सो गया होता फिर मैं एग्जाम ले लिया, आपको पता नहीं चलता लास्ट मोमेंट में क्या होता है एग्जैक्टली, तो जब आप पहले प्रिपेयर करते हो तो चीजें आपके हाथ में होती है, तो आप टैकल कर सकते हो, जो भी चीजें आ रही है वो टैकल कर सकते हो, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में आप टैकल नहीं कर सकते और फिर आपको गिव अप करना पड़ता है एट सम पॉइंट, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी लूज करनी पड़ती है, तो इंटरव्यूज का भी मैंने मुझे लगता है कि मैं कुछ रिकमेंड करूंगा आपको, जावा ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल्स पॉइंट जावा डी पॉइंट अच्छे वेबसाइट है, वहां से आप गीक्स फॉर गीक्स अच्छे वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स में कैसा है कि आपको बहुत सारा थ्योरी मिल जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ो और कहां से पढ़ो और कितना पढ़ो, ट्यूटोरियल्स पॉइंट जावा डी पॉइंट में अगर आप जाओगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ के मत जाना, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसका भी थोड़ा नॉलेज लेके जाना, अगर इंटरव्यू आप क्वेश्चन वेबसाइट पे जाओगे आपको मिलेगा कि व्हाट इज अ लिंक्डइन लिंक लिस्ट, तो सिर्फ लिंक लिस्ट का उतना डेफिनेशन और वो मत पढ़ के जाना, लिंक
इंग्लिश का थोड़े अलग वेबसाइट से थोड़ा डीप नॉलेज लेके जाना कैसे वर्क करना है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं इंटरव्यूज में कि आपका प्लेलिस्ट वगैरह जो होता है तो उसमें लिंक्डइन आपका लिंक्डइन सप्लाई किया है इसका एप्लीकेशन इतना डीप नहीं जाता। अगर आप बहुत हाई लेवल के पैकेज को एम कर रहे हो तो वो डीप क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन आप 6, 7, 8, 9 MBA तक जाओगे तो इतना भी डीप क्वेश्चंस नहीं पूछते। आप इन वेबसाइट से अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। सेकंड थिंग की लास्ट मोमेंट मत प्रिपेयर करो, वही कि अगर आप लास्ट डे पे प्रिपेयर करोगे तो वही है कि रात भर आप थक जाओगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अगर आप इंटरव्यू में ब्लैक आउट हो गए, अगर आपको पता है क्वेश्चन पे भी ब्लैक आउट हो गए तो क्या करोगे, थोड़ा अच्छे से पहले से पढ़ के जाओ इंटरव्यू के दिन, या फिर इंटरव्यू से एक दिन पहले या फिर एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ रिविजन करो अच्छे से, सिर्फ एक बार रीड करो, दो बार तीन बार जितना भी हो सके उतना रीड करो। और मैंने बहुत लोगों को पता था भी वो प्योर टैलेंट है, रोनाल्डो के
पास इतना नेशनल टैलेंट नहीं है बट उसका मेहनत इतना है he used to do such hard work and that's why he got top it's not like he मैं बहुत होशियार हूँ या फिर I'm intelligent it's not like that you have to be consistent अगर कोई इंसान है जो इतना इंटेलिजेंट नहीं है एंड स्टिल वो रोज मेहनत करता है he knows वो रोज हार्ड वर्क करता है there will be a day he will beat you so it's like that he every day you have to push yourself and you have to be consistent ऐसा नहीं कि ठीक है आज किसी ने बोल दिया कि कोई नहीं कर रहा है दो जीत गया तीन जीत गया एक महीना गया फिर उसके बाद ठीक है यार देखते हैं करते हैं जैसे मैंने पहले बोला था संदीप महेश्वरी का वीडियो देखते हैं दो दिन के लिए तो मोटिवेट होते हैं लेकिन बाद में वो रोज सेंसिटिव हो जाते हैं तो वैसा नहीं करना है यू हैव टू बी कंसिस्टेंट सो पैकेज फर्स्ट मेरे को इंटरव्यू तो करते लेते सेलेक्टिव इंटरव्यूज करने ऑनलाइन टेस्ट नहीं चेक हो गया तो उसके बाद मुझे 3 लाख का मिला था इंटरव्यू का
हो सकता है या फिर इंटरव्यूअर का ईमेल आईडी हो सकता है। मैं काम करना कि अगर वो दो तीन हफ्ते पहले आपको मेल आ रहा है तो मेल आईडी से नाम से लिंक्डइन पे स्टॉक कर लेना उसको कि वो आदमी क्या करता है उस कंपनी में। अगर उसका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो अच्छे से स्टॉक कर लेना किसने कौन से प्रोजेक्ट में और कौन से टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। दो हफ्ते पहले आप थोड़ा बहुत तो उसके अगर वो पाइथन में काम कर रहे हैं तो दो हफ्ते पहले आप थोड़ा बहुत पाइथन पढ़ ही सकते हैं तो उतना थोड़ा प्रिपेयर कर लो। और मैं करता था कि जब भी इंटरव्यू होता था तो उससे पहले मैं लिंक्डइन पे जाकर उस आदमी के बारे में पढ़ लेता था। तो मैंने कोरिनास के इंटरव्यू में सीन किया था, इंटरव्यू के पहले मैंने थोड़ा देख लिया था प्रोफाइल कि ये क्या क्या करता है और उसके हिसाब से मैं इंटरव्यू का थोड़ा डायरेक्शन लेके गया। लास्ट मोमेंट तो प्रिपेयर नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ आपको पता चल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कम पे आएंगे तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है, मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, तो वो एक चीज है। सो आपको सेट है तो कुछ एमएस का हमारे प्लान है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में बच्चे तो जितने प्लेसमेंट के लिए सीरियस नहीं होते उससे ज्यादा एमएस के लिए होते हैं। किस सब में यही बोलते हैं कि यूएस नहीं बनता है इंडिया में नस्ता है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? तो पर्सनली मेरे भी प्लान्स नहीं थे इसके, बट इट वाज नेवर सीरियस कि हां एमएससी करना है ये सब से अलग से कुछ भी प्लान नहीं था मेरे लिए। थिंग्स हैपन द वे इट हैपन, बट एक रहता है कि अगर एमएस करना है तो वो तो कैसा रहता है कि 32 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देन उसके बाद जाओ स्टैटरशिप वर्क भी करती है, बट नॉट फॉर एवरीवन क्योंकि एक बार आप कॉर्पोरेट में आ जाते हो व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग आपका पढ़ाई का हैबिट छूट जाता है। बहुत कम लोग हैं जो उसके बाद भी क्या नहीं कर प्रिपेयर करते हैं एग्जाम देते हैं और एमएस के लिए जाते हैं। तो आई सजेस्ट कि जेएल का स्कोर 3 इयर्स का वैलिड रहता है तो फोर्थ ईयर भी जेएल दे दो, दो साल जॉब करो एंड देन उस स्कोर पे यू कैन अप्लाई फॉर एमएस। So, GR is valid for 5 years. So, वो भी अच्छा है। If you have experience ना, तो MS आपके लिए easy आएगा, because experience रहेगा आपके पास। And MS के बाद आपको placement भी अच्छे मिलेंगे, because you have prior experience। So, I suggest, और ऐसा मत सोचो कि दो साल में job करूँगा, फिर उसके 5 साल में prepare करूँगा। ये सब के लिए work नहीं करता। I say अभी, when you start करेंगे, जब पैसा नहीं मिलता है ना, तो बाकी चीजें नहीं होती। तो ये सजेशन रहेगा कि इफ यू आर टाइम फॉर एमएस देन ट्राई टू यू टेक द फोर्थ ईयर ओनली, वो उसको वैलिड रहता है तो बाद में वो बर्डन नहीं आता कि ठीक है यार अभी प्रिपेयर करना है। और कॉर्पोरेट लाइफ इज हेल्प फॉर स्टार्टिंग एट दिस हेल्प, मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था तब हमारे सीनियर ने बोला था कि देखो कि 5-6 मिनट तो बहुत मजा आ रहा है एंड इट्स आई एम एक्सपीरियंसिंग इट क्योंकि एवरीथिंग इज न्यू कुछ पता नहीं रहता पर एवरीथिंग यू हैव टू गो फॉर कि सीनियर के पास जाना है कि ये क्या है ये कैसे करना है इसका पासवर्ड क्या है वगैरह वगैरह एंड उनको भी उनका काम रहता है। तो आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस एंड आई गेस इट वाज कॉमन फॉर एवरीवन। मैंने जितने भी लोगों से बात होती है जो भी प्रेशर थे बहुत सारे लोग 90% ऑफ द लोग वही बोल रहे कि नहीं समझ रहा कुछ भी बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। तो उस पॉइंट पे फिर पढ़ाई करना एक और बड़ा चैलेंज है। तो आई सजेस्ट कि फोर्थ ईयर में एग्जाम दे दो एंड देन यू कैन डिसाइड कि कब एमएस के लिए जाना है। सो मास्टर्स का अगर आप सोच रहे हो तो पहले से ही डिसाइड कर उस हिसाब से प्लानिंग कर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मास्टर्स जाए मास्टर्स के लिए जाए या फिर प्लेसमेंट्स में बैठे। मेरा भी सेम कंफ्यूजन था, मैंने थर्ड ईयर में गेट की एग्जाम दी थी। बाद में पता चला कि यार बाहर अगर आप मास्टर्स करोगे तो उसका ज्यादा वैल्यू सेटेंड है, वहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बहुत जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल। मेरे बहुत सारे दोस्त लाइक हमारे बैच में बहुत सारे लोग हमारे क्लास में या फिर मेरे दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग मास्टर्स के लिए गए थे, कोई यूएस गए कोई जर्मनी गए। सो डिसाइड कर लो आप पहले से थोड़ा क्लियर रहो और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। ऐसे नहीं कि पैकेज अच्छा नहीं लगा तो फिर अभी मैं जल्दी जल्दी मैं मास्टर्स के लिए चला जाऊंगा, थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि अगर आपको अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा ना तो आपका आगे का भी आपको आपको पता है कि ब्रांड का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप खुद एक एक्सपर्ट कॉलेज से हो तो एक अलग नजर से देखने के लिए देखना स्टार्ट कर देते हो आप। तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो अच्छे कॉलेज में करो, अच्छे से प्रिपेयर करो और थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दो। मैं हर चीज
उनको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है क्योंकि अभी तक सेशन है इंग्लिश में बस जा रहा है। तो सेकंड थिंग ऐसा है कि उनको अभी इंटर्नशिप वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जिनको इंटर्नशिप मिले और जिनका भी लाइक पास आउट हो गया उनको ऑफर मिलना मुश्किल हो गया कि ऑफर से रिवोक हो गए। सो एक्सपीरियंस लेके जाओ मुझे लगता है फाइनेंशियली भी हेल्प करता है और एक्सपीरियंस भी आपको हेल्प करेगा उधर जाके आपको जल्दी से इंटर्नशिप मिल जाएगा। अगर आप यूएस जाना है या नहीं या फिर दूसरी कंट्री में जाना है डीप रिसर्च करके ही जाओ बहुत अच्छे से रिसर्च करो हर चीज जानो कि आपको इतने इतने साल में रिटर्न मिलेगा या इतना रिटर्न मिलेगा आपकी एक्सपेक्टेशंस कितने हैं। यूएस का बहुत बड़ा ये है कि आपको वीजा का इशू आता है H1B वीजा आपको लगता है आप 2 साल मास्टर्स करोगे उसके बाद 3 साल का आपको H1B वीजा और लॉटरी सिस्टम पे रहता है लॉटरी लग गई तो लग गई नहीं तो फिर से इंडिया आओ। तो आप दूसरे कंट्रीज भी ऑफ कर सकते हो जर्मनी में कॉस्ट बहुत कम है पब्लिक यूनिवर्सिटी तो पर्सनली मैं कर रहा हूँ प्रिपेयर मास्टर्स के लिए GRE देना है और फिर GRE दो और फिर GRE का स्कोर आई सर 5 ईयर्स वैलिड रहता है उसके बाद टोफल और IELTS का 2 ईयर्स रहता है। अगर आप कॉलेज में डिसाइड कर लोगे ये सब चीज़ तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा लास्ट मोमेंट में आपको थोड़ा डिफिकल्ट और कन्फ्यूजिंग होगा तो पहले से ही और बाद में आप जब जॉब करोगे तो थोड़ा वो जैसे मैंने बोला कि पैसे आने चालू हो जाते हैं तो फिर आपका डायरेक्शन चेंज होता है वो मत होने दो इतना भी बड़ा पैकेज लगे अगर आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे मास्टर्स करना है तो करो और अगर नहीं किया है तो फिर ध्यान मत दो इतना बाकी सब भाग रहे मास्टर्स तो इसलिए मुझे भी भागना है नहीं आप इंडिया में भी कमा सकते हो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो इंडिया में बस आपको स्किल्स पे वर्क करना है और अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगे तो 5-6 साल बाद आपको इधर भी अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो मास्टर्स क्यों कर रहे हो वो थोड़ा एक दूसरे क्वेश्चन पूछो मुझे रिसर्च में जाना है या फिर मुझे थोड़ा और पढ़ना है अगर आप अभी मैंने पढ़ा नहीं और फिर आप बस वो एक कॉलेज लाइफ पुश करने के लिए मास्टर्स कर रहे हो तो कुछ सेंस नहीं बनता। अगर आपने 4 साल में कुछ नहीं किया तो 2 साल में भी आपका वही मेंटेलिटी रहेगा इसलिए मेंटेलिटी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 4 साल में वही मेंटेलिटी से चल रहे हो कि देखा जाएगा और फिर दो साल में भी आप वही मेंटेलिटी से चलोगे वहां पे तो लाइक आपको प्रेशर रहेगा आप लोन लेके जाओगे 40-50 लाख तो लगता है यूएस में जाना तो ज्यादा लग सकता है एवरेज 40-50 लाख तो पकड़ नहीं चलो तो प्रेशर रहेगा फिर आप खुद पे प्रेशर बिल्डअप करोगे और फिर वो उस नेगेटिव चीज में चला जाएगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा पेरेंट्स से बात करो मैंने जब मैंने मास्टर्स का सोचा था मैंने फ्रेंचाइज की तो पेरेंट्स से बात की आप ही कैपेबल ऑफ गोइंग दिस और एम आई कैपेबल ऑफ गोइंग दिस पूछो बात करो क्योंकि पैसा तो वही बनने वाला है राइट तो उनसे बात करो और हो सकता है कि आपने फ्यूचर प्लान क्योंकि आप मास्टर्स को जा रहे हो 8-9-10 साल तो रहोगे वहाँ पे 2 साल अपना मास्टर्स का और 3-4-5 साल तो रहोगे